लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में ईडी ने शिकंजा कस दिया है। इस बार लालू परिवार की 6,02,00,000 रुपए की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय ने अटैच कर दिया है, जिसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव और बेटी हेमा यादव की संपत्ति भी शामिल है। लालू यादव की संपत्ति को जब्त करने पर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। कल तक जो जेडीयू लालू यादव को जेल भेजने के लिए कोर्ट में दस्तावेज पहुंचाती थी, आज वो उनके समर्थन में कूद गई है। किस तरह से लगातार केंद्र सरकार के दबाव में स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ उनको डिमोरलाइज करने के लिए अभी भी जो कार्रवाई हो रही है, लालू परिवार को जो परेशान करने की नीयत से ये लोग लगातार दबाव बना रहे हैं, उसके पीछे की मंशा साफ है। वो चाहते हैं कि कैसे विपक्षी दलों में शामिल नेताओं को डिमोरलाइज किया जाए, डराया जाए, ताकि विपक्षी दलों का कुनबा कमजोर हो सके। वहीं आरजेडी ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया और कहा है कि ईडी डायरेक्टर को इसीलिए सेवा का विस्तार किया गया। जहां जहां भाजपा के राज्यों में क्यों नहीं, भाजपा नेताओं के यहां क्यों नहीं, सिर्फ विपक्षी नेताओं के यहां क्यों? एक बड़ा सवाल, इन सवालों को जानना पड़ेगा कि सेवा के विस्तार के पीछे अगर कोई सुपारी भाव है, अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा की प्रकाष्ठा के दहलीज पे खड़े होकर के नियम और कायदे की धज्जियां उड़ाते रहे, तो माफ करना, कानून भी अपना काम करता है। बीजेपी ने लालू यादव की संपत्ति पर सवाल उठाते हुए महागठबंधन से पूछा है कि चपरासी क्वार्टर से 150 करोड़ के महल तक लालू यादव कैसे पहुंचे? बीजेपी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए, इनकी सारी संपत्ति भ्रष्टाचार का उपज है। चपरासी क्वार्टर में रहने वाले ये 150-200 करोड़ के महल में कैसे पहुंचे, जवाब तो देनी चाहिए। आज ये बिहार इतना व्यथित हो रहा है अपराध के कारण, कौन जिम्मेवार है? सत्ता के लिए इतनी समझौता क्यों है? और ऐसे लोगों पर जब संवैधानिक संस्था कार्रवाई करती है तो लोगों को भ्रमित करने और बरगलाने का खेल बंद करना चाहिए। दरअसल 10 मार्च को दिल्ली स्थित तेजस्वी के बंगले पर डाले गए ईडी के छापे के बाद आगे चलकर लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी को भी चार्जशीटेड कर दिया गया था। इसको लेकर बिहार में पहले से ही तूफान मचा था। तब ईडी ने 1 करोड़ रुपए अघोषित कैश की बरामदगी की थी और कहा था कि 600 करोड़ के अवैध लेन देन का पता चला है। इसके बाद कई बार लालू परिवार के सदस्यों और करीबियों से पूछताछ हुई, जिसके बाद आज ईडी ने लालू यादव की संपत्ति को तीसरी बार जब्त कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।